दो सवालात हैं। आपने फरमाया कि ताज़ीमन किसी के सामने खड़े होना सिवाय अल्लाह के हराम है, क्या उस्ताद के सामने, किसी आलिम के सामने या वालदैन के सामने ऐसा करना भी हराम है? असल में जिसे कुनूत कहते हैं वो है ताज़ीमन और झुककर खड़े रहना। एक होता है अचानक खड़े हो गए, कोई बाहर से आदमी आया है, आपने खड़े होकर उन्हें रिसीव कर लिया, ये बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन ये जिस चीज़ को मैं हराम कह रहा हूँ, ये मसलन आप मस्जिद नबवी में देखेंगे कि नमाज के बाद कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो हुजूर की कब्र शरीफ की तरफ रुख करके और बिल्कुल वो हाथ बांध के और कुनूत की शक्ल में खड़े होते हैं, ये हराम मुतलक है। ये कुनूत सिवाय अल्लाह के किसी के लिए नहीं है। लेकिन इस तरह से खड़े हो जाना, उसमें भी ये है कि किसी वक्त जैसा कि हम किसी बड़े आदमी के सामने थोड़ा सा झुक भी जाते हैं, इनवॉलेंट्री अगर वो अमल है तो उसमें कोई पकड़ नहीं है। लेकिन जहाँ इसका ख़ास तौर पर एहतमाम होगा वो हराम हो जाएगा। जैसे कि हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सजदे ताज़ीमी जो राइज हो गया था मुग़ल दरबार में, उसके ख़िलाफ़ जिहाद किया और आपने सर गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से गर्मी अहरार, जहाँ ये तवक्को हो, जहाँ ये चाहा जाए ये समझा जा रहा हो, तो वहाँ उसके बरक्स अमल करना चाहिए। अलबत्ता आप गैर इरादी तौर पर किसी वक्त थोड़ा सा खड़ा आदमी होता है, कुछ झुक के मिल लेता है, इसमें कोई बात नहीं है। अलबत्ता जिसको मैंने कुनूत कहा है, वो कुनूत एक ख़ास शक्ल है दुआए कुनूत, जो आप खड़े होकर दुआ मांगते हैं, तो नमाज में जैसे कि कुनूत है, इस तरीके से किसी और के लिए खड़े होना ये दर हकीकत उसी की फहरिस्त में आ जाएगा।